बंगाल का दौरा खत्म करने के बाद बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, औरंगाबाद में राज्य को दी 21,400 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। पीएम ने कहा बिहार ने फिर डबल इंजन की रफ्तार पकड़ ली है, विकास का काम तेजी के साथ हो रहा है, 400 सीट जीतने का पूरा भरोसा। बिना नाम लिए पीएम मोदी का तेजस्वी पर निशाना, कहा वो मां बाप का काम भी नहीं गिना सकते। मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार में परिवारवादी लोग हताश हो गए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा की सीट खोज रहे। पीएम के साथ मंच पर मौजूद सीएम नीतीश ने कहा अब हम इधर उधर जाने वाले नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ, इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। सीएम नीतीश ने कहा खुशी की बात है बिहार में विकास का काम तेजी के साथ हो रहा, एनडीए को 400 सीट जीतने का पूरा भरोसा। औरंगाबाद के बाद पीएम मोदी का बिहार के बेगूसराय में भी कार्यक्रम, रैली को करेंगे एड्रेस। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में पीएम मोदी का कार्यक्रम, 15,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कृष्णानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के विकास पर दिया जोर, कहा पश्चिम बंगाल को बनाना है आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना, बताया अत्याचार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने अपना संकल्प दोहराया, कहा अब की बार एनडीए 400 पार। बिहार में विपक्षी दलों के विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी, कांग्रेस की नीतू सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने किया दावा, कहा अगर नवादा से मिला टिकट तो बीजेपी करूंगी ज्वाइन। 3 मार्च को होने वाले जन विश्वास महारैली के लिए लालू यादव की जनता से अपील, बोले बड़ी संख्या में गांधी मैदान में आए, बीजेपी की सरकार को उखाड़ देंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, बोले फील्ड पर मोदी और बीजेपी के सामने कमजोर है हमारी पार्टी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के लिए बताया कठिन घड़ी, कहा चुनाव तो चुनाव है, लड़ना ही पड़ेगा। गौतम गंभीर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी। गंभीर ने अपने राजनीतिक संन्यास लेने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से किया अनुरोध, कहा क्रिकेट पर करना चाहता हूं फोकस। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, मंत्रिमंडल के साथ भी रहे। गीत संगीत के दीवानों के लिए शानदार खबर, आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान का ग्रैंड कॉन्सर्ट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 6 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत, इश्क एफएम चैनल की ओर से गीत संगीत के दीवानों को तोहफा। बंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एनएसजी की टीम ने की जांच, बम डिस्पोजल यूनिट ने कैफे के अंदर की जांच। बंगलुरु कैफे विस्फोट मामले में सामने आई तस्वीर, सीसीटीवी में बैग रखते दिखा 28 से 30 साल का एक शख्स। कैफे के अंदर आरोपी के आने और विस्फोट के बीच लगा 86 मिनट का वक्त, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, बोले आतंकवाद की घटना पर राजनीति कर रही बीजेपी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर्नाटक कैफे में बम ब्लास्ट को लेकर प्रदेश सरकार पर बोला हमला, बोले आतंकवाद की नर्सरी बन रही कर्नाटक। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का दूसरा दिन, जामनगर को पहले दिन की शानदार तस्वीरें सामने आई। 3 दिन तक चलने वाले इस प्री वेडिंग फंक्शन की पहली शाम रही बेहद खास, दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की स्पीच से हुए जश्न की शुरुआत, सभी मेहमानों का जताया आभार। अनंत अंबानी ने स्टेज से दिया इमोशनल भाषण, नीचे बैठे पिता मुकेश अंबानी इमोशनल हुए। मेहमानों के सामने अनंत अंबानी ने माता पिता का जताया आभार, कहा मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ।
प्री वेडिंग फंक्शन में पॉप स्टार रिहाना ने बांधा समाप्त, शानदार परफॉर्मेंस दी। एनर्जी से भरी दिखी पॉप स्टार रिहाना की परफॉर्मेंस, नजारा कैमरा में कैप्चर हुआ। अनंत की बहन ईशा ने पहना पेस्टर कलर का गाउन, बेहद खूबसूरत नजर आई। सूट बूट में दिखे आकाश, अनंत और उनके पिता मुकेश अंबानी, तस्वीरें सामने आई। प्री वेडिंग सेरेमनी में लगा सितारों का जमघट, परिवार संग नजर आए सैफ अली खान। अजय देवगन ने भी प्री वेडिंग सेरेमनी में की शिरकत, बेटे संग ब्लैक आउटफिट में नजर आए। कॉकटेल पार्टी के लिए एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी लिया ऑल ब्लैक लुक, ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में लगी एलिगेंट। पार्टी लुक में दिखे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, कपल ने सोशल मीडिया पर डाली तस्वीरें। क्रिकेट जगत के सितारों ने भी कॉकटेल पार्टी में शिरकत की, पार्टनर के साथ नजर आए आंद्रे रसल। मेहमानों को दिखाया गया वन तारा शो, तैयारी का एक वीडियो सामने आया था। बारिश और ठंडी हवाओं के साथ मार्च के पहले वीकेंड की शुरुआत, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बादलों ने भिगोया। दिल्ली के आईटीओ में जोरदार बारिश ने बदला नजारा, ठंडी हवाएं चली। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में जोरदार बारिश, कई जगह पर भरा पानी। मौसम विभाग ने दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री होने की जताई संभावना, 24 डिग्री तक रह सकता है अधिकतम तापमान। दिल्ली में कल भी छाए रह सकते हैं हल्के बादल, मौसम विभाग ने बारिश होने को लेकर जताई मामूली संभावना। शंभू बॉर्डर पर बारिश के चलते बढ़ी किसानों की मुश्किलें, ट्रैक्टर और टेंट के बीच चलते नजर आए। करौली में बरसात से किसान चिंतित, गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा। सोनमर्ग में हिमस्खलन के कारण मार्ग पर यातायात बाधित, रास्ते को साफ करने की कोशिश। मसूरी में बारिश के बाद बढ़ गई ठंड और ठिठुरन, मौसम विभाग ने की सावधान रहने की अपील। श्रीनगर में बारिश के चलते बदला नजारा, कई इलाकों में बारिश। अकोला में अनाज घोटाला मामले में कार्रवाई, न्यायालय ने 7 दोषियों को सुनाई सजा। आगरा में इंटरमीडिएट के छात्रों की गुहार लीक, पेपर की दोबारा परीक्षा नहीं कराने की मांग। बिहार के दरभंगा में प्रशासन को बड़ी कामयाबी, 6 जिंदा बम बरामद। महाराष्ट्र के पंढरपुर में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, राजस्व कर्मियों पर हमला करने वाले 3 अरेस्ट। पुणे में 2,38,00,000 रुपए की ड्रग्स बरामद, मामले में एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मनाया 22वां स्थापना दिवस, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। बाल विवाह को लेकर छत्रपति संभाजी नगर पुलिस और बाल कल्याण समिति को मिली कामयाबी, कैलाश नगर इलाके में रुक पाया बाल विवाह। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया शुभारंभ, लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए पैसे। आईआईएम संबलपुर में 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। सीएम भजन लाल ने की जयपुर मेट्रो के काम की समीक्षा, कहा मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित करें। असम कैबिनेट ने 1600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने दी जानकारी। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक करने की पहल, लखनऊ के योजना भवन से वोटर अवेयरनेस वैन को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाया गया जागरूकता अभियान, पैडल फॉर वोट साइक्लोथॉन का आयोजन। यूएलएफए छोड़ने वालों और लापता बागियों के परिजनों को सरकार ने दी मदद, अनुदान कार्यक्रम में सीएम हेमंत बिस्वा ने की शिरकत। नागपुर में मिस वर्ल्ड जूलिया मार्ले समेत अन्य मॉडल्स पहुंची डॉक्टर हेग गिवार स्मृति स्थल, संघ के कामों की सराहना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाउत्सव का तीसरा दिन, दूसरे दिन शेषनाग धारण कर बाबा ने दिए दर्शन। दिल्ली में एनडीएमसी की ओर से गुलाब उत्सव का आगाज, 7 मार्च तक चलेगा आयोजन। रोज गार्डन में 80 से ज्यादा किस्मों के गुलाबों की प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में लोग कर रहे दीदार। दिल्ली में रामायणम चित्र काव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री पहुंचे। देहरादून में वसंतोत्सव का आगाज, सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की।